अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। लॉन्ग बोन की जो हमारे पास मिडल पोर्शन होता है ना, शेफ्ट होती है बोन की, उसको हम लोग कहते हैं डायफेसिस। या हमारे पास जो मोस्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है ना यहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं एपिफेसिस। और एपिफेसिस और डायफेसिस के दरमियान में जो पोर्शन है उसको कहते हैं मेटाफेसिस, ठीक है। अब चाइल्ड में ना क्या होता है, डायफेसिस भी होता है, मेटाफेसिस भी, तो एपिफेसिस होता है। बट मेटाफेसिस और एपिफेसिस के दरमियान जो है ना एक फाइसिस ग्रोथ प्लेट होती है, उसको हम लोग कहते हैं फाइसिस, ठीक है। जो कि हमारे पास जो अडल्ट की बोन होती है ना, उनमें हमारे पास ग्रोथ प्लेट नहीं होती क्योंकि क्लोज हो चुकी होती है वो। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि फ्रैक्चर्स, बेसिकली फ्रैक्चर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ये एक ब्रेक है कंटिन्यूटी ऑफ द इट इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। मेनली हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि या फिर जो ओपन फ्रैक्चर है या क्लोज फ्रैक्चर है, ठीक है। और जो क्लोज फ्रैक्चर है उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। बेसिकली इस फ्रैक्चर में क्या होता है, जो फ्रैक्चर जो होता है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं करता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब स्किन से कम्युनिकेट नहीं करेगा। जो फ्रैक्चर होगा सिर्फ वो बोन में ही फ्रैक्चर होगा और बाहर स्किन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। जबकि जो कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ये फ्रैक्चर्स जो है ना बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है ना लिंक होते हैं, मतलब कि स्किन को टॉन कर देते हैं और बाहर से नवर भी आते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें, सिंपल फ्रैक्चर है, बोन के अंदर ही है, बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, स्किन वगैरह से, यहाँ से कोई टॉन नहीं है। जबकि जो कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर होते हैं, ये देखें फ्रैक्चर है और इसका जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन है, ठीक है, स्किन भी ब्रीच हुई हुई है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि क्लोज फ्रैक्चर। अब ना एक और टाइप की क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग किस तरह की इंजरी है, तो फिर उस हिसाब से चैनल को फर्दर डिवाइड करा गया है। ग्रीन स्ट्रिंग फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर और द कंपाउंड फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रिंग फ्रैक्चर में ना क्या होता है कि एक साइड की बोन जो है ना, एक साइड की बोन का फ्रैक्चर होता है जो कि दूसरी साइड की बोन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो है ना, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में हमारे पास एक लीनियर सा कट होता है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में ना बोन इस तरीके से टूटी है कि इसके दो तीन पीसेस हो गए, उस फ्रैक्चर कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। जो स्पायरल फ्रैक्चर होता है ना, इसमें क्या होता है कि बोन जो है ना ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है, बोन ट्विस्ट हुई भी है स्पायरल फ्रैक्चर में, तो इसको हम लोग स्पायरल फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। और कंपाउंड फ्रैक्चर वही ओपन फ्रैक्चर जो मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि बस बाहर की स्किन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसका लिंक होता है। हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन होती, कुछ क्लासिफिकेशन है फ्रैक्चर्स की, हम देख लेते हैं। एक होती है हमारे पास मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन, AO क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे पास अल्फाबेटिकल कोड में होती है। मतलब कि ये इस तरीके के से होगी कि इसमें कुछ लेटर्स होंगे और कुछ नंबर्स होंगे जो कि कुछ डिनोट कर रहे होंगे। लेट सपोज कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर जो है ना 13A का है, तो इसमें A का मतलब है, 1 का मतलब है कि ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ठीक है, और 3 का मतलब है कि ये डिस्टल फ्रैक्चर है, ठीक है, और A का मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, ठीक है। अगर A की जगह B लिखा होगा तो इसका मतलब है कि पार्शियल आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, और अगर C लिखा हुआ है तो मतलब कंप्लीट आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। ये सब ये डिनोट करेगा, और ये जो 1 है ना, ये बोन का बताएगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो बोन को इंडिकेट करेगा क्या कौन सी बोन है। 1 ह्यूमरस हो गई, 2 रेडियस अल्ना हो गई, 3 फीमर और 4 टिबिया एंड फिबुला को डिनोट करेगा। और ये जो सेकेंड वाला ना, ये बोन का सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि प्रॉक्सिमल है, डायफेसिस है या डिस्टल है। तो AO क्लासिफिकेशन मेनली आपने इस तरीके से याद रखनी है कि ये एक अल्फाबेटिकुलर अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एज अ क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपने इसको नंबर्स डिनोट करने हैं और ABC की तरफ से। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास जो कि बच्चों में होती है, साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, जो कि ग्रोथ प्लेट इंजरीज की है, ठीक है। अब इसको भी ना फर्दर इसकी फर्दर टाइप्स है 5, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास जो टाइप 1 होती है ना, इसको हम लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं कि स्ट्रेट अक्रॉस, मतलब इसमें कंप्लीट फिजियल फ्रैक्चर होगा। ये देखिए, कंप्लीट फिजियल फ्रैक्चर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये याद रखना है कंप्लीट फिजियल फ्रैक्चर है। टाइप 2 जिसको हम एज अ निमोनिक कह रहे होते हैं कि अबव, मतलब के इसमें जो है ना हमारे पास जो फ्रैक्चर है
फिजियल फ्रैक्चर है लेकिन इसमें एपिफिजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेटाफेसिस इन्वॉल्व होगा लेकिन एपिफिजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आपने इस तरह याद रखना है फ्रैक्चर अबव, मतलब फिजियल प्लेट इन्वॉल्व है, फिजियल प्लेट से ऊपर क्या था हमारे पास मेटाफेसिस, तो मेटाफेसिस इन्वॉल्वमेंट है लेकिन एपिफिजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं इधर एम लिख देती हूँ कि मेटाफेसियल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और टाइप थ्री क्या होता है, लोअर या बिलो। टाइप थ्री में क्या है हमारे पास कि फिजियल का फ्रैक्चर तो है फिजिस का लेकिन एपिफाइसिस के साथ है, ये देखें एपिफाइसल बोन इन्वॉल्व है, मेटाफेसिस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। टाइप फोर में क्या होता है, टू या थ्रू। टाइप फोर में मतलब क्या है कि टू और थ्रू, मतलब कि इसमें हमारे पास एपिफिसिस भी इन्वॉल्व है, फाइसिस भी, फिसिस तो हर कैटेगरी में इन्वॉल्व, एपिफिसिस भी इन्वॉल्व है और मेटाफिसिस भी, दोनों का फ्रैक्चर, ये देखें एपिफाइसिस भी इन्वॉल्व है और मेटाफिसिस भी इन्वॉल्व है, तो ये टाइप फोर कैटेगरी का फ्रैक्चर है, तो इसको इसके लिए कह रहे हैं टू और थ्रू, ठीक है। जो टाइप फाइव फ्रैक्चर है ना, इसमें क्या होता है, ये किसी भी क्रश इंजरी की वजह से ना फाइसिस के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए, ये देखें सारे पार्ट, ये देखें कैसे यूनियन लाइंस बनी हुई है, सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे थे सॉल्टर, स्ट्रेट अक्रॉस टाइप वन मतलब पूरी फिजियल फ्रैक्चर है, अबव मेटाफिसियल इन्वॉल्वमेंट है मतलब फिजियल फ्रैक्चर का अबव पार्ट इन्वॉल्व है, टाइप टू। टाइप थ्री लोअर और बिलो, मतलब कि फाइसिस तो इन्वॉल्व है लेकिन उसके बाद जो लोअर पार्ट है ना वो इन्वॉल्व, लोअर पार्ट कौन सा है, एपिफाइसिस। टाइप फोर में क्या है हमारे पास, टू और थ्रू, मतलब कि इसमें एपिफाइसिस भी का फ्रैक्चर भी होगा, मेटाफिजियल भी फ्रैक्चर होगा, दोनों फ्रैक्चर्स इन्वॉल्व होंगे और फिजियल का भी पार्ट है, तो मतलब कि तीनों फ्रैक्चर्स मिलेंगे। जबकि टाइप फाइव है क्रश इंजरी की वजह से पूरे फाइसिस तो इन्वॉल्व है, पूरी फाइसिस इन्वॉल्व है और मेटाफिजियल भी इन्वॉल्व है और एपिफाइसल भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सॉल्टर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों के लिए, ग्रोथ प्लेट इंजरीज के लिए, बाकी सब के लिए नहीं है, बाकी सब में जो है ना एओ क्लासिफिकेशन चलती है, ठीक है, सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन। अब ये जो फ्रैक्चर है ना, आपको पता है किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ठीक है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, कब समटाइम्स जो ऐसा होता है ना ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, और ये जो ना हम जैसे जो नॉर्मल पीपल होते हैं ना उनमें नहीं होता, उनमें नहीं होता, ये स्पेशली एथलीट्स वगैरह के जो एथलीट्स होते हैं ना उनमें होता है। क्लिनिकल फीचर्स जाहिर सी बात है कि पेन तो होगा, डिफॉर्मिटी होगी, डिसफंक्शन होगा। अगर हम डायग्नोसिस किस बेसिस पर करेंगे, जाहिर सी बात है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेसिस पे करेंगे, और हम लोग ना एक्सरे करा दें तो जब भी हड्डी कहीं भी टूटी है, कोई भी फ्रैक्चर हो है, तो एक्सरे तो मस्ट है, सिर्फ एक्सरे से ही पता चल सकता है कि हम लोग ना किस तरीके फ्रैक्चर है, तो एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे के लिए ना आपने रूल ऑफ टू याद रखना है, मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है कि उसका फ्रैक्चर है, तो आपने जो है ना दो व्यूज़ कराने, एक मोस्ट कॉमनली जो है ना एपी व्यू कराते हैं और लेटरल व्यू कराते हैं, दो जॉइंट्स इन्वॉल्व, बिलो एंड अबव द इंजरी का जो है ना कराना है हमने, कि अबव द, बिलो एंड अबव द इंजरी के जो भी जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं उनका करवाना है, ठीक है। ये नहीं करवाना कि सिर्फ जो है ना अगर बोन एक जगह फिर टूटी सिर्फ उसी जगह करें, उसके ऊपर का भी और बिलो का भी, दो जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट के कराने हैं। और जिनमें एपिफिजियल फ्रैक्चर है ना चिल्ड्रन में, उसे उनमें जो है ना लिम्स इंजर्ड और इंजर्ड लिम भी कराना है, जिस पे चोट लगी है जिसमें फ्रैक्चर है, और जिसमें नहीं है उसमें भी, सिर्फ उन पेशेंट में जो चिल्ड्रन में एपिफिजियल इंजरीज हैं जिनमें उनमें, और दो दफ़ा करवाना है बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन मैं बताती हूँ आगे क्या होता है, तो लेकिन रूल ऑफ टू आपने याद रखना है, दो व्यू करवाने हमने, दो जॉइंट्स करवाने अबव एंड बिलो द इंजरी, दो लिम्स करवाने सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एपिफाइजल इंजरी से, और दो टाइम कराने बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, कुछ ना अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फ्रैक्चर की और लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में ना हमारे पास वैस्कुलर इंजरी आ जाता है, जो कि हिमरेज वगैरह करा रहे होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल विसरल इंजरी आ गया, जैसे कि कोई भी ब्रेन लंग ब्लड एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो उस वजह से भी जो है ना हो रहा होता है, डैमेज करा देते सराउंडिंग टिश्यूज, नर्व स्किन और नर्व्स और स्किन में, हीमआर्थ्राइसिस करा देते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम करा देते हैं, या वॉल्कमेंस इस्कीमिया करा देते हैं, मेनली जो है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम इस्कीमिया के कास्ट की वजह से हो रहा होता है, वो मैं हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। टाइट कास्ट बन जाते हैं तो इंटरनल कंपार्टमेंट का जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम कह रहे हैं। वोन इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है,
अगर हम लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डिलेड यूनियन हो गया, नॉन यूनियन हो गया, मेल यूनियन हो गया. अब इनके ना डिलेड मेल यूनियन ना के अलग कॉजेज है. अगर नॉन यूनियन किस बेसिस पे कह रहे हैं कि 3 to 6 months के बाद भी जो है ना कोई साइन ऑफ हीलिंग नहीं मिल रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि ना नॉन यूनियन है 3 to 6 months के बाद. इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चर्स हो सकते हैं, जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, कोई इन्फेक्शन हो गया बोन का, गैंग्रीन, टेटनस, सेप्टिसीमिया, ठीक है, ये सब ना लेट कॉम्प्लिकेशंस में या कभी कभार ना वाइवा में पूछ लेते हैं तो आपको बताना चाहिए. इसके अलावा अगर हम लोग एक जनरल मैनेजमेंट देख लेते हैं कि फ्रैक्चर को मैनेज कैसे करना है जनरली, क्योंकि जो है ना बाकी जो हम फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे ना अपर लिम के लोअर लिम के तो उसमें जो है ना हर फ्रैक्चर में जो है ना एक ही सिनेरियो आता है कि सबसे पहले इमरजेंसी में अगर आया है पेशेंट तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है. तो ये सबकी जनरल मैनेजमेंट है, ये हर फ्रैक्चर के पेशेंट में होगी, ठीक है. ATLS के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, ABC मैनेजमेंट की जाएगी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड द सर्कुलेशन. उसके बाद जो है ना एनाल्जेसिक दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स देंगे और टेटनस प्रोफाइलेक्सिस देंगे अगर ओपन फ्रैक्चर है तो. ओपन फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा हो, ठीक है. स्पेसिफिक मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं. इधर जनरल मैनेजमेंट थी जो कि हम लोग ER में करते हैं. स्पेसिफिक मैनेजमेंट में ना हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, रिडक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ फिक्सेशन और रिहेबिलिटेशन. अच्छा, इसके अलावा ना आपने ये भी चेक करना होता है, ये चेक करना मत भूलिएगा कि न्यूरोवास्कुलर बंडल को भी चेक करना होता है. ऐसा ना हो कि नर्व या कोई वेसल्स जो है ना वो भी फ्रैक्चर के साथ जो है ना डैमेज हो गए, तो आपने सिर्फ उसको भी बचाना है ताकि जो है ना बाकी नेसेसिटीज़ वगैरह जो है ना बोन वगैरह की वो प्रिजर्व हो सके. तो हम सबसे पहले ना रिडक्शन की बात कर लेते हैं. रिडक्शन में बेसिकली हम कर क्या रहते हैं कि बोन्स की रीअलाइनमेंट कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू रिटर्न द बोन्स टू देयर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन. अब ये रिडक्शन ना दो तरीके से हो सकती है, या तो क्लोज रिडक्शन या तो ओपन रिडक्शन. क्लोज रिडक्शन में ना हम लोग मेनली दो चीज़ें कर रहे होते हैं, ट्रैक्शन एंड रोटेशन. मतलब ऐसा समझ लें कि ट्रैक्शन क्या होता है कि हम जो लेट सपोज ये हमारे पास कोई टूटी हुई बोन है इस तरीके से पड़ी हुई है, ये बोन है लेट सपोज, तो हम जो है ना ट्रैक्शन करेंगे, मतलब कि ब्रोकन बोन के पार्ट को जो है ना पुल करेंगे. ट्रैक्शन मेनली का मतलब क्या है कि हम पुल करेंगे बोन को ताकि जो है ना बोन्स जो है ना एक साथ अलाइन हो सके, ठीक है. और ये ट्रैक्शन जो है ना हम लोग मैनुअली भी कर रहे होते हैं, मतलब ट्रैक्शन कर रहे हैं और काउंटर ट्रैक्शन कर रहे हैं मैनुअली भी करते हैं, और किसी वेट से, पुलीस वगैरह से, ये कोई वेट लगा के भी कर रहे होते हैं. तो आपने याद रखना है बेसिकली ट्रैक्शन का मतलब क्या है, पुलिंग ऑफ अ ब्रोकन बोन और डिसलोकेटेड बॉडी पार्ट इन स्लो एंड स्टेडी मैनर टू रीअलाइन इनटू प्रॉपर पोजीशन एंड कीप इट स्टेबल. ट्रैक्शन और रोटेशन करेंगे. ओपन रिडक्शन सिर्फ उन केसेस में करेंगे जहाँ पे हमारे पास ओपन फ्रैक्चर है, जैसे जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, या जिसमें जो है ना क्लोज रिडक्शन फेल हो गई है, या जो है ना अनस्टेबल फ्रैक्चर है, या कोई इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, उनमें जो है ना क्लोज रिडक्शन काम नहीं आती है. उनमें फिर हम ना ओपन रिडक्शन करते हैं कि सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं कि फ्रैक्चर के साइड को खोलेंगे और वहाँ से बोनी अलाइनमेंट होगी. तो उन केसेस में ना ओपन रिडक्शन करते हैं. ये देखें ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन, कहा था बोनी पार्ट है अगर जो टूटा हुआ है तो यहाँ से हम लोग ट्रैक्शन कर रहे हैं और इस साइड से काउंटर ट्रैक्शन कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं बेसिकली बोन को मैनुअली, जो ताकि जो है ना बोन अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाए, ठीक है. अब स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन की बात कर लेते हैं. स्टेबलाइजेशन मतलब कि जो बोन की पार्ट टूटा हुआ है ना उसको स्टेबल करना ताकि वो और मज़ीद ना टूट जाए और मज़ीद जो है ना कॉजेस ना करें, ठीक है. अब ये स्टेबलाइजेशन हम कास्ट के ज़रिए कर सकते हैं, स्प्लिंट के ज़रिए कर सकते हैं. कास्ट क्या है बेसिकली, हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है जिसको हम ना स्टेबलाइज फ्रैक्चर के स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. ये टेम्परेरी मेथड है और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी हो सकता है अगर जो है ना हमारे पास सिर्फ फ्रैक्चर जो है ना छोटा सा हो, ठीक है. और स्प्लिंट ना हमारे पास बैक स्लैब होता है, मतलब क्या हाफ कास्ट होता है हमारे पास, हाफ POP होता है, ठीक है. इंटरनल कास्ट पार्शल कंप्लीट भी होता है और बैक स्लैब होता है, मतलब पार्शल है, एक साइड पे POP लगा हुआ है और एक साइड पे नहीं लगा हुआ, या फिर स्प्लिंट देते हैं, ठीक है. स्प्लिंट जो है ना सिर्फ फिक्स करने के, स्टेबलाइज करने के लिए होता है ताकि बोन जो है ना अपनी जगह पे आ जाए. अच्छा, फिक्सेशन. अब फिक्सेशन पे आ जाते हैं. फिक्सेशन जो है ना मेनली हम लोग दो तरीके से फिक्स कर रहे होते हैं बोन को, अनलेस कि वो रिडक्शन से नहीं हो पा रही है
या क्लोज कंपाउंड फ्रैक्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर के पैटर्न है जिससे नहीं होता, हमने उसको इंटरनली फिक्सेट करना है या एक्सटर्नल फिक्सेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। इंटरनल फिक्सेशन जो है ना बेसिकली होता है क्या, सिंथेटिक इम्प्लांट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्लेस किए जाते हैं ताकि जो है ना रिडक्शन जो हमने किए वो मेंटेन हो सके। मेन एम क्या है हमारा फ्रैक्चर को, कि बोन्स की जो बोन्स को अलाइनमेंट करना है इनके नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। अब क्या क्या इंडिकेशंस हैं, जब नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है ना फेल हो जाए, या कोई अनस्टेबल फ्रैक्चर हो, या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो, या मल्टीपल फ्रैक्चर हो, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो, उनमें हम लोग जो है ना इंटरनल फिक्सेशन कर रहे होते हैं। अब इंटरनल फिक्सेशन के ना डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, के हम लोग स्क्रूज और प्लेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, के वायर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंट्रामेडुलरी नेल्स यूज़ कर रहे होते हैं। स्क्रू और प्लेट्स जो होती है ना, अगर हमारे पास कोई छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है मेलुला या कॉन्डाइल्स वगैरह का, जिसमें हमें सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ना है, तो उनमें हम स्क्रूज और प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। के वायर्स जो है ना मेनली हम लोग जो है ना बच्चों में यूज़ करते हैं, जिनमें जो है ना एपिफेजल ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर हो, उनमें हम लोग के वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इंटरमेडुलरी नेल्स है ना, इंटरमेडुलरी नेल्स जो है हम ज़्यादातर शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरमेडुलरी नेल्स का ना ये फ़ायदा है कि अर्ली वेट बेयरिंग हो जाता है पेशेंट, और जो है ना इसमें रिमूवल भी नहीं इसको रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इंट्रामेडुलरी नेल्स को, जबकि स्क्रूज एंड प्लेट्स आपको पता है इसको रिमूव करना पड़ता है और अर्ली वेट बेयरिंग नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि क्या फ़र्क है इंट्रामेडुलरी नेल्स में और स्क्रूज और प्लेट्स में, तो आपने ये बताना है कि स्क्रू और जो स्क्रू और प्लेट्स होते हैं ना अर्ली वेट बेयरिंग नहीं हो पाता उससे पेशेंट, ठीक है, और इसको रिमूवल की भी ज़रूरत पड़ती है। जबकि इंट्रामेडुलरी नेल्स को जो है ना, एक तो ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, लेकिन जो है ना इसमें अर्ली वेट बेयरिंग पेशेंट हो जाता है और इसमें रिमूवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जबकि जो के वायर्स है ना, हमने हमेशा रखना, जो के वायर्स हम लोग यूज़ करें चिल्ड्रन में यूज़ करें, क्योंकि फिजियल ग्रोथ प्लेट के फ्रैक्चर्स में ज़्यादातर के वायर्स यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन की। अब एक्सटर्नल फिक्सेशन का मकसद क्या होता है, कि ये फ्रैक्चर जो बोन्स है ना उनको स्टेबलाइज करके और उसको अलाइनमेंट में रखे, मतलब जहाँ पे हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते, यहाँ इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं और इतना अर्जेंटली हम लोग नहीं कर सकते, तो उन केसेस में ना हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेट कर रहे होते हैं। या फिर जहाँ पे सिंपल इतना कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, जिसमें सिर्फ सिंगल बोन इन्वॉल्व है, ये इतना बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, तो उसमें हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेशन कर रहे होते हैं। ये कुछ ना एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हैं, ये हमारे पास ना बॉडी के बाहर लगाते हैं ताकि जो ना फिक्स हो जाए। ये देखें, ये रोटेटर कफ वाले, तो उन जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ मैं इमरजेंसी हो और कुछ अवेलेबिलिटी ना हो, जहाँ सर्जरी की ना रिसोर्सेज ना हो, मतलब सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपने बाहर भी देखा होगा, जैसे जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में जंगलों में जाके रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो एक लोग क्या करते हैं कि लकड़ी लेते हैं, लकड़ियों को जो है ना अपने जहाँ भी फ्रैक्चर होता है उसके इर्द गिर्द ना बांध देते हैं, तो वो एक्सटर्नल फिक्सेटर के तौर पर काम करता है। वो इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, या जहाँ पर जो है ना इन्फेक्शन का वैदा खतरा हो या बोन लॉस का खतरा हो, वहाँ पे ना एक्सटर्नल फिक्सेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हमने जनरल मैनेजमेंट बात करी कि हमने क्या करना है, रिडक्शन करनी है, रिडक्शन क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन, इसके अब अलग अलग वो हैं कि किस तरीके से करनी है। उसके बाद हमने कहा स्टेबलाइजेशन या फिक्सेशन करनी है, स्टेबलाइजेशन में कास्ट कह दिया हमने, स्प्लिन कह दिया, बैक स्लैब आ गया, ये सब यूज़ कर सकते हैं। फिक्सेशन में इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन। अब जनरली जो है ना हमारे पास हर पेशेंट में जो भी फ्रैक्चर आएगा उसमें यही मैनेजमेंट होगी, लेकिन अब हम लोग जो है ना अब नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रैक्चर्स हैं, अपर लिम फ्रैक्चर्स और लोअर लिम फ्रैक्चर्स, उसमें बस जनरल यही मैनेजमेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें क्या यूज़ करेंगे क्या नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट्स इट।